हेलो एवरीवन माय नेम इज विजय श्री एंड वेलकम टू द ट्यूटोरियल ऑफ स्विच गेयर एंड प्रोटेक्शन प्रीवियस ट्यूटोरियल में हमने क्या देखा था अनसिमेट्रिकल फॉल्ट के टाइप्स एसी जो फॉल्ट होते हैं हमारे ये जो एसी सी फॉल्ट्स हैं हमारे इनके हमने टाइप्स देखे थे और ये इन फॉल्ट्स में से हमारे जो अनसिमेट्रिकल फॉल्ट है इन फॉल्ट में से किसी भी फॉल्ट का रूप ले सकता है हमारे सिस्टम को डैमेज करने के लिए ओके सो दीज आर दॉल्ट विच आर नोन एज सिमेट्रिक अनसिमेट्रिकल फॉल्ट ओके okay, सबसे पहले हमने देखा था सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट देन लाइन टू लाइन फॉल्ट एंड डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट साइमल्टेनियस फॉल्ट ओपन सर्किट फॉल्ट एंड थ्री फेज फॉल्ट ठीक है आज हम क्या देखने वाले हैं डिफरेंशिएशन बिटवीन सिमेट्रिकल फॉल्ट एंड अनसिमेट्रिकल फॉल्ट तो ये है डायग्राम जो मैंने बनाई थी आ, हमारे नोट्स में तो उसकी एक आ, फोटो है ये ठीक है तो आ, और ये एक डिफरेंस है सिमेट्रिकल फॉल्ट और अनसिमेट्रिकल फॉल्ट के बीच का सो लेट्स सी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सिमेट्रिकल फॉल्ट एंड अनसिमेट्रिकल फॉल्ट और फर्स्ट पॉइंट इज द फॉल्ट दैट व्हिच द फॉल्ट व्हिच गिव्स राइज टू सिमेट्रिकल फॉल्ट करंट आर नोन एज आर कॉल्ड एज सिमेट्रिकल फॉल्ट ठीक है तो इसकी डेफिनेशन दी गई है जो हमने प्रीवियस ट्यूटोरियल में ऑलरेडी देख ली थी ठीक है उसके साथ साथ अनसिमेट्रिकल फॉल्ट की भी डेफिनेशन यहाँ पे दी है यहाँ पे क्या बताया गया है राइज टू अनसिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल आर कॉल्ड एज फॉल्ट तो हमने देखा कि ये जो सिमेट्रिकल फॉल्ट है ओके ये एक ये फॉल्ट विच गिव राइज टू सिमेट्रिकल फॉल्ट करंट ये क्या करते हैं सिमेट्रिकल फॉल्ट को बढ़ाने का काम करते हैं सिमेट्रिकल फॉल्ट करंट को बढ़ाने का काम करते हैं तो यह है हमारे सिमेट्रिकल फॉल्ट और अनसिमेट्रिकल फॉल्ट क्या है दो फॉल्ट विच गिव्स राइट टू अनसिमेट्रिकल एज अनसिमेट्रिकल फॉल्ट और सेकेंड पॉइंट इज और सेकेंड पॉइंट इज इनसिमेट्रिकल फॉल्ट करंट्स इन सिमेट्रिकल फॉल्ट करंट्स आर डिस्प्लेस्ड पे कॉमा होना चाहिए था इन सिमेट्रिकल फॉल्ट करंट आर डिस्प्लेस्ड 120 डिग्री तो क्या होता है सिमेट्रिकल फॉल्ट में हमारा जो करंट होता है उसका डिस्प्लेसमेंट होता है 120 डिग्री ना उससे कम ना उससे ज्यादा तीनों के तीनों फेजिस का जो हमारा फेज का डिस्प्लेसमेंट होता है होता है वन डिग्री देन देर अनसिमेट्रिकल फॉल्ट इनमें क्या होता है अनसिमेट्रिकल फॉल्ट करंट्स आर डिस्प्लेस्ड विथ अन एकवल मैगनेट्यूड एंड अन एकवल फेज डिस्प्लेसमेंट। ओके क्या होता है जो अनसिमेट्रिकल फॉल्ड करंट होते हैं उनका जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो अन एकवल होता है उसके साथ साथ मैग्नीट्यूड होता है ओके okay, वो भी अनईक्वल होता है उसका फेस डिसप्लेसमेंट और इसका मैग्नेट्यूड अन एकवल होता है इसलिए ये अनसिमेट्रिकल कहलाए जाते हैं सो so एग्जाम्पल क्या है अगर सिमेट्रिकल फॉल्ट की बात करें तो थ्री फेज शॉर्ट सर्किट दैट इज लाइन टू लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट एंड थ्री फेज टू ग्राउंड फॉल्ट दैट इज लाइन टू लाइन टू लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट तो तीनों के दिनों फेजेस में और ग्राउंड में जो फॉल्ट आता है दैट इज सिमेट्रिकल फॉल्ट उसके साथ साथ तीनों के दिनों फेजिस में जो फॉल्ट आता है दैट इज सिमेट्रिकल फॉल्ट तो इसमें क्या होता है चाहे इसमें ग्राउंड इंक्लूड हो या फिर ना हो पर फेजिस तो तीनों के तीन है तो तीनों के तीनों फेजिस में जब फॉल्ट आ जाता है इनमें जब फॉल्ट आ जाता है तो ऑब्वियसली सिस्टम डैमेज होगी तो हमें मतलब है ग्राउंड से ठीक है सॉरी फेजिस से चाहे उसमें ग्राउंड हो या फिर ना हो वो सिमेट्रिकल फॉल्ट कहलाएंगे अगर तीनों के तीनों फेजिस में फॉल्ट आ गया है तो जो कि 120 डिग्री पे डिस्प्लेस हो ठीक है अनसिमेट्रिकल फॉल्ट के एग्जाम्पल क्या होंगे लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट दैट इज लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट लाइन टू लाइन फॉल्ट मींस एलएल फॉल्ट लाइन टू लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट मींस एलएलजी फॉल्ट यह है हमारे अनसिमेट्रिकल फॉल्ट तो इनमें क्या होता है 120 डिग्री का डिस्प्लेसमेंट नहीं होता इसके साथ-साथ इसका मैग्नीट्यूड भी जो है वो अनइक्वल रहेगा ओके तो यह है हमारे डिफरेंस uh, ओके okay, ये है हमारा डिफरेंस सिमेट्रिकल फॉल्ट है अनसिमेट्रिकल फॉल्ट का तो हमने डिफरेंशिएशन तो देख लिया अब हम देखेंगे फॉल्ट uh, का स्टैटिस्टिक्स ओके okay, तो यह है हमारा फॉल्ट का स्टैटिस्टिक्स तो इसमें आपको थोड़ा ब्लर दिख रहा होगा पर यहाँ पे अ वर्ड्स क्लियर दिख रहे हैं ठीक है थीके, थोड़ा थोड़ा ब्लर ही है आप दे सकते हैं क्लियरली कि फॉल्ट स्टैटिस्टिक्स में यहाँ पे एलिमेंट दिए गए हैं दीज आर आर एलिमेंट ओके और यह है हमारे परसेंटेज ऑफ फॉल्ट ऑकरेंस तो यहाँ पे बताया गया है कि किस चीज में या फिर हमारे जो सिस्टम है उसके पर्टिकुलर किसी सेक्शन में कितने परसेंट का हमारा फॉल्ट ऑकर होता है ओके okay. सबसे पहले दिया गया है ओवर हेड लाइन्स ये है हमारी ओवर हेड ओके ओवर हेड लाइन्स ओवर हेड लाइन्स में हमारा जो फॉल्ट का ऑकरेंस होता है वो फिफ्टी परसेंट होता है सबसे ज़्यादा ओवर हेड लाइन्स में फॉल्ट के चांसेस है ओके okay, क्योंकि वो एटमोसफेयर में ऐसे खुली होती हैं, तो कई रीजन्स हो सकते हैं चाहे वो स्टॉम्प्स हो या फिर कोई तूफान हो कुछ भी हो सकता है आ, किसी मैकेनिकल का मैकेनिकल uh, प्रेशर की वजह से या फिर स्ट्रेस की वजह से या फिर एटमॉस्फेरिक कोई कंडीशन की वजह से धूप बरसात बारिश की वजह से कोई भी कारण हो सकता है इसकी वजह से ओवर हेड लाइन्स में जो फॉल्ट ऑकरेंस होता है वो सबसे ज्यादा होता है दैट इज फिफ्टी परसेंट ओके देन देर इज अंडरग्राउंड केबल यह है हमारा अंडरग्राउंड केबल अंडरग्राउंड केबल में आने वाला फॉल्ट होता है नाइन परसेंट नाइन परसेंट का फॉल्ट जो है हमारे अंडरग्राउंड सिस्टम में अंडरग्राउंड केबल में आने के चांसेस होते हैं ट्रांसफार्मर so, ट्रांसफार्मर में हमारा जो फॉल्ट आता है दैट इज टेन परसेंट जनरेटर में आने वाला होता है सेवन परसेंट स्विच गियर जो भी हमारे स्विचिंग ऑपरेट ऑपरेशन वाले जो गियर्स होते हैं ओके जिनमें स्विचिंग होती है ज स्विच गियर ओके तो ये जो डिवाइसेस होते हैं या फिर जो स्विचिंग का सिस्टम होता है गियर होते हैं उसमें ट्वेल्व परसेंट का फॉल्ट ऑफरेंस होता है ओके okay. तो उसके बाद है हमारे करंट ट्रांसफॉर्मरस दैट इज सी टी पी टी ओके रिलेज या फिर uh, कोई कंट्रोल इक्विपमेंट ओके तो ये जो चीजें हैं इनमें जो हमारा जो फॉल्ट ऑकरेंस है 12%, ठीक है, तो हंड्रेड परसेंट में से ये इतना इतने परसेंट का जो हमारा फॉल्ट है वो ऑकर होता है हमारे सिस्टम में सबसे ज्यादा है ओवर लाइन, ओके उसके बाद है स्विच गेयर एंड करंट ट्रांसफार पोटेंशियल ट्रांसफार्मर रिले कंट्रोल इक्विपमेंट एक्सेट्रा उसके बाद आता है ट्रांसफार्मर में टेन परसेंट ओके देन देर इज अंडरग्राउंड केबल दैट इज नाइन परसेंट एंड जनरेटर में उसके चांसेस कम होते हैं सेवन परसेंट ऑफ चांसेस होते हैं जनरेटर में ओके okay. तो उसके बाद हम देखेंगे टाइप्स ऑफ फॉल्ट सिम्बॉल ऑफ फॉल्ट परसेंटेज ऑफ फॉल्ट ऑफरेंस ओके हमने हमने क्या देखना है अभी टाइप्स ऑफ फॉल्ट सिंबॉल ऑफ फॉल्ट एंडेज ऑफ फॉल्ट ऑकरेंस तो लाइन टू लाइन जो हमारा फॉल्ट होता है सॉरी लाइन टू ग्राउंड मींस एल जी फॉल्ट ठीक है तो इसका सिंबल है एल जी फॉल्ट कितना होता है एटी फाइव परसेंट इसके चांसेस होते हैं एल जी फॉल्ट के ठीक है एटी फाइव परसेंट ऑफ चांसेस है एल जी फॉल्ट सबसे ज्यादा यहाँ पे दिए गए हैं लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट के ऑकरेंस के चांसेस उसके बाद है हमारा लाइन टू लाइन फॉल्ट दैट इज एल एल फॉल्ट तो इसमें कितने हैं एट परसेंट ऑफ चांसेस ओनली एट परसेंट ओके लाइन लाइन टू टू ग्राउंड फॉल्ट मीन्स एल एल जी फॉल्ट कितना है इसमें फॉल्ट का ऑकरेंस 5 परसेंट उससे भी कम है ओके लाइन टू लाइन फॉल्ट से देन देर इज थ्री फेज फॉल्ट थ्री फेज फॉल्ट मीन्स एल 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 मीन्स लाइन टू लाइन टू लाइन फॉल्ट भी आपसे कह सकते हैं तो इसमें ऑकरेंस कितना होगा टू ओनली तो सबसे कम है थ्री फेस में टू परसेंट लाइन टू लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट में है फाइव परसेंट लाइन टू लाइन फॉल्ट में है एट परसेंट चांसेस और लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट में है सबसे ज्यादा ऑफ़ फॉल्ट ऑकरेंस चांसेस ओके तो ये है हमारा फॉल्ट का स्टैटिस्टिक्स हमने क्या देखा आज डिफरेंस देखा सिमेट्रिकल फॉल्ट और अनसिमेट्रिकल फॉल्ट के बीच का हमने सबसे पहले देखी उसकी डेफिनेशन देन उसका डिस्प्लेसमेंट और मैग्नीट्यूड ओके देन उसके एग्जांपल्स उसके बाद हमने क्या देखा फॉल्ट का स्टेटिस्टिक्स ओवरहेड लाइन अंडरग्राउंड केबल ट्रांसफार्मर जनरेटर स्विच गैर करंट ट्रांसफार्म पोटेंशियल ट्रांसफार वगैरह में कितने परसेंट का फॉल्ट आकर ओकर होता है उसके बाद जो टाइप्स ऑफ फॉल्ट है और उसका सिम्बॉल ऑफ फॉल्ट ओके तो उसको आ, उसके जो परसेंटेज है और टोटल ओके okay, वो कितने हैं ये हमने देख लिया तो कल हम क्या देखेंगे एसेंशियल क्वालिटीज ऑफ प्रोटेक्शन ओके तो दिस इज डन फॉर टुडे हम मिलेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में